और ये वो सिस्टर है कि जब भी ओ तारीफ करो सबसे पहले परमेश्वर की। परमेश्वर आपके हृदय की गूढ़ मन की बातें भी जानता है। क्या होता है बताओ मुझे सिस्टर, जब आप पानी पीते हो बताओ मुझे। अच्छा जब पानी पीते हो डर लगता है, चक्कर आते हैं। ओ देखो ये शैतान कैसे कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। पर जिस खुदा ने आपको पास बुलाया, कभी सुना कभी पानी पीने से भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है। तो प्रेरित जी, जिस सिस्टर का नाम रंजीत कौर है और जे लक्ष्मी नगर गांव के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रही कि 7 साल हो गए इनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था, और जब भी जे सिस्टर पानी पीते थे इनको चक्कर आते थे, और जिसके कारण 7 साल से जे बहुत ही कम पानी पीते थे। जे बताते जब भी खाना खाते उसके बाद भी जे बहुत ही कम पानी पीते थे, और 7 साल हो गए थे इन्होंने बिल्कुल कभी भी ज्यादा पानी नहीं पिया क्योंकि इनको बहुत ज्यादा डर लगता था। और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे जे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को उन्होंने जे प्रॉब्लम बताई, और डॉक्टर ने बताया कि आपको अगर किसी हल्काए कुत्ते ने काटा तो नहीं है, तो इन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी भी कुत्ते ने आज तक कभी नहीं काटा, बस जब भी मैं पानी पीती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। और उन्होंने इनको मेडिसिन भी दी, पर जे बता रही कि कुछ समय इन्होंने मेडिसिन खाई पर फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, और कोई भी ऐसी जब भी जे पानी पीते जे डर वैसे बना था अभी तक। और जैसे जे सिस्टर मीटिंग में आ रहे थे, और आज से 2 महीने पहले जैसे जे मीटिंग में आए और प्रेज जी आपके मुख से प्रोफेटिक वर्ड आया कि कुछ लोग हैं जिनको पानी से प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। प्रॉब्लम होती है, और ये वो सिस्टर है कि जब भी ओ तारीफ करो सबसे पहले परमेश्वर की। परमेश्वर आपके हृदय की गूढ़ मन की बातें भी जानता है। क्या होता है बताओ मुझे सिस्टर, जब आप पानी पीते हो बताओ मुझे। डर लगता है चक्कर आ जाते। अच्छा जब पानी पीते हो डर लगता है, चक्कर आते हैं। ओ देखो ये शैतान कैसे कैसे लोगों के जीवन में काम करता है। पर जिस खुदा ने आपको पास बुलाया, कभी सुना कभी पानी पीने से भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर है वो भी ऐसे हर एक बंदे को ये सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, आपको रोग नहीं कोई लगेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। पर देखो शैतान कैसे लोगों के जीवन में रुकावटें डाल देता है कि पानी पीने से भी, जबकि पानी पीना हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलो क्या है, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे आधे से ज्यादा बीमारियां आपके जीवन में आएंगी नहीं, मैं सच्ची कहता हूं। पर ये डेवल की चीजें हैं, शैतान की। तारीफ करो और आप फ्री हो। ऐसे उस दिन उन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और विश्वास से जे धन्यवाद करते रहे, और अभी जे बता रहे कि पूरा 1.5 महीना हो गए जे पूरी तरह से अच्छे से पानी पीते हैं, इनको कोई भी डर नहीं लगता। खाना खाने से जे बाद में पानी नहीं पीते थे, अभी खाना खाते फिर भी पानी पीते, कोई डर नहीं है। जब बता रही कि नहीं तो इस मौसम में तो कभी भी जे ज्यादा पानी नहीं थे पी सकते, पर जे परमेश्वर का अनुग्रह जे बताते हैं कि इन्होंने जब मीटिंग में तो आ रहे थे पर इन्होंने एक भी दिन प्रभु के दास के साथ इस विषय में बात नहीं थी की, पर परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस जैसे इस वर्ड्स को बोला, और जे बता रहे कि सच में जे मेरे इतने लंबे समय की जो प्रॉब्लम थी आज पूरी तरह से परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे एक्लेसिया। ये गवाही की तारीफ आज नॉर्मल तारीफ नहीं चाहिए। हाँ बोलो क्या है, अगर आप विश्वास से सुन रहे हो तो आप अपने प्रभु की, मैंने कहा आप अपने प्रभु की जो आपके गुनाहों के लिए, संसार के गुनाहों के लिए मारा गया, आप अपने दुश्मनों को भी बताओगे। मैंने कहा यह गवाही के आप दुश्मनों को भी बताओगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी हीलिंग को नहीं देखा, ऐसा दुष्ट का काम नहीं देखा कि पानी से प्रॉब्लम। अरे अजीब, पानी से प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर कहना आपको किसी हल्काए कुत्ते ने तो नहीं काटा जिसके कारण आपको पानी पीने से डर लगता है। अरे गर्मियों के दिनों में भी ये एक घूट घूट पानी पीते थे और डर लगता था। समझ आ रही है? पर कौन है? मैंने कहा कौन है?
कौन ऐसे काम करता है, कौन गूढ़ बातों को अंधेरे बातों को नकरी परिवार किसे गलती वो रखता खबर घर पल भी नकरी परिवार किसे गलती वो रखता खबर घर पल वो मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है मेरा खुदा ये सच है। न कर परवाह किसे गलती क्योंकि वो आपके हृदय की गूढ़ बातें आपके मन में क्या है जो आप सोचते हो। इसलिए बाइबल हमें बताती है जो परमेश्वर तुम्हारे विषय सोचे सोचता है जैसे आप सोचते हो उस रीति से वो भी सोचता है। और लिखा जो वो सोचे सोचता है वो हानि के नहीं लाभ की कुशल की शांति। हाँ ये अजीब बात है। बोले क्या है पानी पीने से प्रॉब्लम। अरे 7 साल से चक्कर आते थे जब भी ये पानी पीते थे क्या आते थे ने? चक्कर आते थे डर लगता था। अगर मैं जानता हूं कि अगर कोई पानी नहीं पिएगा अगर उसे प्रॉपर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है डॉक्टर हर बंदे को ये कहते हैं कि दिन में 4 से 5 लीटर पानी पियो आपकी सेहत क्या रहेगी अच्छी रहेगी। पर डेविल कैसे कैसे शैतान काम करता है लोगों के जीवन से। हाँ मैंने कहा कैसे कैसे काम करता है। पर जिस खुदा के पास आप आए हो वो अपना वचन भेज कर लिखा वो छुड़ाता है। बोलो क्या करता है वो छुड़ाता है जैसे इन्हें छुड़ाया वो आपको भी छुड़ाएगा। मैंने कहा आपकी हर एक गूढ़ बात को जो आप सोच रहे हो वो आपको भी छुड़ाएगा अगर आपका भरोसा आपका विश्वास किस पर है। बोलो क्या है आपका भरोसा आपका विश्वास किस से किस पर है तो छुड़ाएगा। त्यारवास से उसके साथ उस अच्छे मन के साथ जीने के लिए। हाँ के सोच से कुछ लोग सोच से करते हैं कोई काम सोच से नहीं। जो काम हर काम विश्वास से करोगे मन की तैयारी से करोगे परमेश्वर आपके लिए बोलेगा। मैंने कहा अगर आप आज भी आप तैयारी से आए हो विश्वास से आए हो तो खुदावंद आपके लिए भी बोलने वाला है। मैंने कहा आपका आज आमीन मुझे वो वाला नहीं चाहिए। मैंने कहा आज आपको भी वो छुड़ाने वाला है। तारीफ करो जोर से दोनों हाथों करागा मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर करो पापा जो बुलाया है। हालेलुया